बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब दोस्तों को दिल से खुश आमदीद आपके अपने चैनल स्टडी टॉपर में। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है अगर आप करें तो। तो चलिए फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि NH3 इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटीरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। जो अमोनिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास रॉ मटेरियल है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में? फर्टिलाइज़र की। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये कहाँ से लिया जाता है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से लिया जाता है। एज बाय द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन, इस बैलेंस इक्वेशन से जो है ये लिया जाता है। तो अभी क्या कहते हैं, आपने बताना है हाउ मैनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिक्वायर्ड। कितने मोल्स जिन से हैं इन दोनों के रिक्वायर्ड होंगे अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है 5.0 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। तो आपने जो है वो पहला नाइट्रोजन फाइंड करना है, दूसरा हाइड्रोजन, आपने इन दोनों के मोल्स फाइंड करने हैं। तो चलिए फिर आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो हम नाइट्रोजन का फाइंड कर लेते हैं। तो ए वाला नाइट्रोजन है, तो मैंने भी नाइट्रोजन लिखा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा बताती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया पूरा मैं लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये जो NH3 है वही अमोनिया होता है, 5.0 मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अभी हमने फाइंड करना है, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। अगर अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन के लिए मैंने सिर्फ एक क्यू यूज़ किया है। अब बैलेंस इक्वेशन अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पे एन नाइट्रोजन गैस है और ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ये जो है ये सॉरी लिक्विड होंगे, ये लिक्विड है, और इसके बाद जो ये बनाएगा 2NH3, ये बना देगा गैस ये वाला। तो अब जो है कितने मोल्स हमने निकाले, यहाँ पे 2 मोल्स जो से हैं वो NH3 के निकलेंगे, 2 मोल्स ऑफ NH3, और जो है ये किसके इक्वल होंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक मोल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यहाँ लिख देना है। अब 5 मोल्स ऑफ NH3 हो जाएंगे, और वैसे 5 मोल्स ऑफ NH3 कहाँ से आए, ये क्वेश्चंस के अंदर से, ये देखें ये हमारे जो है वो सवाल के अंदर मौजूद था, इसलिए हमने 5 मोल्स ऑफ NH3 लिखी है। और अब जो आगे इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/2 करना है, जब भी इधर की वैल्यू इधर आती है तो डिवाइड हो जाती है, और मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू को उस तरफ। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5 मोल्स ऑफ N2 नाइट्रोजन के कितने मोल्स आएंगे, 2.5 मोल्स आएंगे। तो अब आपने लिखना है सो द नंबर ऑफ मोल्स, लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिखनी है अगर आप पेपर में इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लास्ट में ये लाइन लिखेंगे तो देखिएगा कि जो एग्जामिनर है उस पर कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोमिनेंट नज़र आने चाहिए। 2.5 मोल्स है तो आपने इसको प्रोमिनेंट करना है इस तरीके से। तो अभी आप इस तरीके से जो है वीडियो को रोक के आप अगला सवाल हल करें, मतलब जिस तरीके से नाइट्रोजन का हमने निकाला आप हाइड्रोजन का निकालें, और अगर आपका आंसर आ जाए तो आप आगे देखिएगा कि आपका आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है, तो मतलब आपको ये समझ आ चुके हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ गए तो आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन या फिर कोई भी इस तरीके का जो वैल्यू है वो आ गई, आप उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके अपना पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पार्ट कम्प्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी वीडियो को रोक कर वो खुद सोल्व करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आए हैं। तो मैंने लिखा सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, मतलब NH3
यहाँ पे मैं NH3 भी लिखती थी ताकि आपको क्लियर हो जाए, वही सेम मोल्स लिखे हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये बी पार्ट था तो उसमें हाइड्रोजन की बात की जा रही थी, तो दूसरे सवाल के मुताबिक दूसरे में हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन आपने लिख देना है। अब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो दो मोल जो हैं वो NH3 के हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास अगर इक्वेशन आप देखें तो इक्वेशन में आपको 2 मोल्स NH3 के मिलेंगे और 3 मोल्स ऑफ H2 के मिलेंगे हाइड्रोजन के। आप देखें क्वेश्चन में 3 हाइड्रोजन के 3 मोल्स नज़र आ रहे हैं तो वो लिख लीजिए। अब जो है इसको इस तरीके से मैंने बताया कि ये जो है ये उतार देंगे नीचे, तो अभी ये हमने इधर रख दिया, ये दो वैल्यूज हैं इधर रख के 5 हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, इनका जो आंसर आया 7.5 मोल्स है। क्या आपका यही आंसर है? अगर आपने मेरे से पहले कर लिया है और वीडियो को रोक कर अभी आपने चेक किया तो यही आंसर है, तो मतलब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। और इसके मुताबिक अगला देखें, सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आपने ये लास्ट वाली लाइन जरूर लिखनी है, 7.5 मोल्स हो जाएगा। तो ये हमारा जैसे ये सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है और ये बहुत ईजी है। अगर इसका इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपने ये वाले मोल्स जरूर ऐड करने हैं इसमें, ये याद रखना है, मल्टीप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।